येस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत हेल्पफुल है सभी टीचिंग एग्जाम्स में. अगर हम बात करें तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया, मतलब साइको मन और समाज दोनों का मिक्सचर है डेवलपमेंट, इस तरह की बात की इन्होंने. इन्होंने कहा कि स्टेजेस जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ चलती हैं. इनसे पहले वाले लोग इस बात में विश्वास रखते थे कि बचपन वाला टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस तक इंपॉर्टेंट है, या वहाँ तक की स्टेजेस ज़्यादातर लोग देते थे. लेकिन उन्होंने बात की थ्रू आउट लाइफ चलने वाली स्टेजेस की. हर स्टेज में कुछ संकट होंगे, कुछ वहाँ से गुण वर्च्यूज निकल करके आएंगी, और अपने आप में अमेजिंग सी थ्योरी है, इसको समझेंगे अच्छे से. और इन कुछ 8 स्टेजेस, जो टोटल 8 स्टेजेस हैं, कैसे एक व्यक्ति का ये बेसिकली पर्सनालिटी और डेवलपमेंट, मतलब दोनों से जुड़ी हुई थियोरी है, कैसे आपका व्यक्तित्व फॉर्म होता है, कैसे समाज और आपका मन दोनों साथ में डेवलप होते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे. और इससे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि आप लोग लाइव आ चुके हैं, तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू लाइक. और इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आज 14th of August है और रक्षाबंधन भी एडवांस में मेरी तरफ से विशेस. और यहाँ से सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ से कोई बफरिंग नहीं है. बाकी हाँ, यहाँ से एकदम चीज़ें ठीक हैं. अच्छा, तो अभी तबीयत बेहतर है, गले में दिक्कत थी, पिछले 2 दिन सेशन नहीं हो पाया है शाम वाला. बाकी सुबह में डेली इंग्लिश डोज नॉर्मल चल रही है, वो वैसे ही चलेगी. कल सुबह भी 5 बजे मिलेगा आपको. बहुत बढ़िया नीतू, चलिए स्टार्ट करें. हाँ बिल्कुल, मैंने भी ये वाले सेशन को काफ़ी मिस किया, आप लोग का जो एक इंटरेक्शन रहता है उसको मिस किया. हाँ बहुत बढ़िया, उतना ही अच्छा लग रहा है मुझे भी देख के आपको, बेहतर है तबीयत. अभी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ये थियोरी स्टार्ट करेंगे, फिर मैं थोड़ा बात करूंगी आपसे. वेलकम है भाई सभी नए पुराने लोगों को, कुछ नया सीख लेते हैं. देखिए ये जो थियोरी है, ठीक है स्टार्ट करते हैं. देखो ये जो थियोरी है इसके बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेना जरूरी है. एरिक होमबर्गर एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, नियो साइको एनालिस्ट भी इनको कहते हैं. इसके अलावा हमने अभी समझ लिया कैसे ये मन और समाज दोनों से जुड़ी हुई एक थियोरी है, कैसे आप अपनी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको फॉर्म करते हैं थ्रू आउट लाइफ, कैसे उस पर प्रभाव चलता रहता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसको कॉइन करने के लिए, जिसके जन्मदाता कहा जाता है इनको, एरिक एरिक्सन को, और बहुत फेमस हुए ये, आइडेंटिटी क्राइसिस. मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का जो संकट है, जो कहाँ आता है आपका एडोलेसेंस में. एडोलेसेंस क्या है, किशोरावस्था, 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, टीन एज जिसको हम कह देते हैं. तो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो फ्रेज है उसको कॉइन किया किसने, एरिक एरिक्सन ने. ठीक, ये प्रभावित थे कहीं ना कहीं फ्रॉइड से कह सकते हैं, बट इनका सिद्धांत थोड़ा सा अलग था उनसे. फ्रॉइड की जो थ्योरी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसमें समझेंगे, उससे पहले एक बार कर चुके हैं कि किस तरह से फ्रॉइड ने ज्यादा जोर दिया सेक्सुअल अर्जेस और उस डोमेन पर इन्होंने समाज के साथ उसको जोड़ा. तो जो लिबिडो वाला कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उससे थोड़ी सी हटके बात कही, तो देखते हैं इनको बेहतर तरीके से समझेंगे. इमोशंस पर भी इन्होंने इंपॉर्टेंस जताई. इनकी जो 8 स्टेजेस हैं, यहां तो एकदम ठीक चल रहा है भाई, अगर आपको कुछ लाइव में दिक्कत है, इनकी कुछ ये 8 स्टेजेस हैं. हर एक स्टेज के अंदर भी जैसे लाइफ में होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, थोड़ी सी नेगेटिव होती है, दूसरी साइड आपको बैलेंस बनाना होता है. तो बचपन से शुरू हो जाती है हर एक स्टेज, पहली स्टेज का आखिरी स्टेज तक स्टेज पर प्रभाव पड़ेगा. एक तरह से ये मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, भाई ये आपने नींव रखी, फिर ये मजबूत होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, पीछे वाली स्टेज प्रभावित करेगी आगे आने वाली स्टेजेस को. ठीक है, तो ये जरूरी है कि हर एक स्टेज में बेहतर विकास हो बच्चे का, जिस चीज की उसको जरूरत थी वो मिले. स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जो पहला स्टेज रहेगा, इसको याद करने का, इन 8 स्टेजेस को याद रखने का तरीका हमने लास्ट टाइम समझा था, TAI की पावर 3 रख लेना, और ये IGE. ठीक है, 8 स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस हैं लास्ट की, और ये कुछ 5 स्टेजेस हैं, क्योंकि 3 बार आए हैं यहां पर और TA से शुरू है. ठीक है, तो TAI 3 IGE से याद रख सकते हो. क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, बस TAI याद रख लिया अगर आपने, टाई का क्यूब, मतलब आई का क्यूब टाई में, तो आपका काम बन गया. यहां से क्वेश्चन आता है, ये 5 स्टेजेस हैं शुरू की एडोलेसेंस तक. ठीक है, तो ये हुई इसको याद रखने की बात. अब एक एक स्टेज से शुरू करते हैं. आइडेंटिटी क्राइसिस पर अभी आएंगे, जब हम इसकी स्टेज जो है एडोलेसेंस उसको डिस्कस करेंगे तब आइडेंटिटी क्राइसिस को डिस्कस करेंगे. पहला स्टेज आपके सामने है, पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये अभी हमने यहां लिखा ही था, टाई
IGE, ठीक है, इसी के अनुसार चलते रहेंगे। पहला स्टेज टी से होगा, टी से क्या है, ट्रस्ट वर्सेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, मिसट्रस्ट, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। ये जन्म से दो वर्ष तक की या डेढ़ वर्ष तक की अवस्था इसको हम कहेंगे, डेढ़ दो में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, आपको पेपर में उससे दिक्कत नहीं होगी, जन्म से डेढ़ वर्ष तक कह सकते हैं इसको, है ना। 18 महीने याद रख लेना ज्यादा, ठीक है, 18 months। ये इन्फेंसी है, स्टेज ध्यान में रखना। यहां पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था है, शैशवावस्था में पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चा जब पैदा हुआ, मान लीजिए जन्म से डेढ़ साल तक, दो साल तक इन्फेंसी में जब वो पैदा होगा, दुनिया में आया है, एक जो पहलू है वो है ट्रस्ट का और दूसरा है मिसट्रस्ट का। अगर उसको केयर मिली, लव मिला, वॉमिथ मिली, टाइम पर फीडिंग हुई, भाई बच्चे को क्या चाहिए, छोटे बच्चे को उसको दूध पिलाया जाए टाइम पर, उसको खाना पानी, इस तरह की चीजें, उसको केयर दी जाए, उसको सिक्योरिटी फील हो, ऐसा ना हो कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है। आपने देखा है जब बच्चे को आप उछालते हैं तो वो हल्का सा डरता है, तो ये वाली जो चीजें ना, उसको जब सिक्योर फील होगा, लव फील होगा उसके माँ बाप से, जो भी आसपास के लोग हैं, फीडिंग उसको टाइम पर मिलेगी, तो उसके अंदर ट्रस्ट आएगा, जीवन के लिए भरोसा आएगा, आगे थ्रू आउट लाइफ होप आएगी, उम्मीद आएगी जीवन के लिए। यदि इसको यहां पर अबेंडनमेंट मिला, बहुत ज्यादा किसी ने केयर परित्याग कर दिया, है ना, बहुत ज्यादा केयर नहीं मिली, लव नहीं मिला, सिक्योरिटी नहीं मिली, तो मिसट्रस्ट आएगा जीवन भर, कहीं ना कहीं वो शक बना रहेगा, बहुत मुश्किल से लोगों पर ट्रस्ट करना, या बहुत सारी चीजें यहां पर आती रहेंगी, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड चला जाएगा। तो हर स्टेज में एक संकट है ना, या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा। अगर पॉजिटिविटी से चीजें की गई तो वो बेहतर डेवलप होगा, इस साइड आएगा, ट्रस्ट में आएगा। अदरवाइज अगर थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा रहा, बैलेंस नहीं बन पाया चीजों का, तो मिसट्रस्ट में चली जाएंगी चीजें, जो उसको आगे भी प्रभावित करती रहेंगी जीवन भर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसमें हमने देख लिया क्या है, एक एक्टिविटी क्या है, जो काम है या टास्क है वो क्या है यहां पर, वो है आपका फीडिंग का, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, फीडिंग का, दुग्धपान कह सकते हैं, या खाना पीना उसको टाइम पे मिले। और दूसरा जो वर्च्यू आएगी, जो गुण डेवलप होगा, ये एक्टिविटी अगर सही से हुई तो एक गुण डेवलप होगा, वो होगा होप का, उम्मीद जागेगी जीवन के लिए, ठीक है, होप, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, बिल्कुल ये स्टेजेस हमें प्रभावित करती हैं थ्रू आउट लाइफ, आपके ऊपर भी ये उतनी लागू होती हैं जितनी थियोरी में कही गई हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों पर ही। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट स्टेज है आपकी, मैं कॉमेंट्स देख लेती हूँ। सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना। नेक्स्ट स्टेज होगी ए से, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, शेम एंड डाउट मतलब स्वायत्ता बनाम क्या होगा, शर्म व संदेह, ठीक है। ये डेढ़ से तीन वर्ष की अवस्था है, मतलब 18 months to 3 years, और इसको अर्ली चाइल्डहुड कहा गया है साइकोसोशल डेवलपमेंट में। एरिक्सन की थियोरी में अगर पूछे अर्ली चाइल्डहुड में जो स्टेज है वो कौन सी है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मत लगा देना, वो इन्फेंसी में आएगा, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट अर्ली चाइल्डहुड, इसके अंदर एक एक्टिविटी है जो बच्चे को जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस एज में, या टास्क है। टास्क क्या है आपका, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से मिले, और अगर टॉयलेट ट्रेनिंग मिलती है तो विल आएगी, वर्च्यू क्या डेवलप होगी, विल, है ना, इच्छा शक्ति एक तरह से बनेगी आगे तक के लिए। अब दो चीजें, दो पहलू हैं इसमें, या तो बच्चा स्वायत्त बनेगा अगर इधर जाएगा, अदरवाइज तो शेम एंड डाउट में रह जाएगा, हीनता या शर्म में रहेगा। अब इस स्टेज में बच्चा बेसिकली थोड़ा सा खुलेगा पेरेंट्स से, और क्या होगा, जैसे वो टॉयलेट यूज करना सीख पाए, या खाना पीना, इस तरह की चीजें वो थोड़ा सा इनिशिएट करता है, ये कह सकते हैं, तो वो स्वायत्ता में होगा यदि वो ये चीजें कर पाता है, और उसको सक्सेसफुली पेरेंट्स की तरफ से ये सब चीजों में वो एक्टिविटीज जो हैं टॉयलेट से रिलेटेड, या बाकी की जो एक्टिविटीज हैं उसकी एज के अनुसार, वो जब करना शुरू करता है तो इधर साइड रहेगा,
अदरवाइज अगर यहां पे डेवलप नहीं हो पाया ठीक से तो फिर शर्म और संदेह आएगा जीवन के लिए कि मैं कुछ कर भी सकता हूं या नहीं, वो वाली सिचुएशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें काम की हैं अरविंद चौधरी, बाकी उसका अपडेटेड वर्जन आने वाला है सीडीपी का, आप पेपर करके देखिए, पहले बुक पढ़िए जितना है ना अभी भी बिना अपडेशन के भी उतना पढ़ के और पेपर करिए पुराने, तो आपको पता लगेगा आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। काम की चीजें हैं, बुक में सिर्फ पोथी नहीं बनाई गई है, कहानियां नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देखा अगर चीजें ठीक से हुई, टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से हुई तो विल आएगी जीवन पर्यंत के लिए, इच्छा शक्ति जागेगी। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। है ना, वो इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा, ये कह सकते हैं पहल बनाम संदेह, या इसको जो भी कहेंगे गिल्ट को, संदेह ही मान लेते हैं या हीनता मान लेते हैं। ठीक है, हीन भावना आएगी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट थर्ड स्टेज हुई। अब ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड को दर्शाया जाता है इसके अनुसार, बिल्कुल अभी थ्योरी समझ लो, बाद में क्वेश्चंस कर लेना ये जो जितने भी डाउट हैं। थर्ड स्टेज हम देख रहे हैं 3 से 5 वर्ष की अवस्था। 3 से 5 वर्ष में क्या है, वर्च्यू क्या है, यहां पर पर्पज आएगा जीवन के लिए, और 3 से 5 वर्ष में क्या होगा, पर्पज आएगा। और दूसरा प्ले एज भी कहा जाता है इसको, भाई हम जानते हैं 3 से 5 वर्ष प्ले एज भी है, एक्सप्लोर करेगा बच्चा अपनी सराउंडिंग्स को। ठीक है, ये चार्ट को अभी लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा या टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ठीक, तो यहां पर पर्पस जागेगा, वर्च्यू है यहां पर पर्पस, जो एक गुण आएगा, और दूसरा टास्क क्या है, एक्सप्लोर करना अपनी सराउंडिंग्स को। ठीक है, या प्ले एज, प्ले मतलब खेलना कूदना, इन सब में इन्वॉल्व होगा 3 से 5 वर्ष। ठीक है, अब जब वो इनिशिएट करेगा, अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहेगा, अपनी पसंद का खाना खाना चाहेगा, थोड़ा सा बाहर दोस्तों में घुलेगा मिलेगा, पेरेंट्स से बात करेगा, कुछ कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज करेगा, तो ये जो इनिशिएटिव लेने की उसको छूट दी जाए थोड़ी, अगर ये यहां पे इनिशिएट करने दिया गया, पहल करने दी गई, तो क्या होगा, पर्पस जागेगा जीवन के लिए, गुण आएगा, एक पर्पसफुल जीवन जीने की कोशिश होगी, अदरवाइज गिल्ट आ जाएगा, हीनता आ जाएगी, दूसरों से कम कहीं ना कहीं समझेगा खुद को, या एक अंदर में ही हीन भावना रहेगी। तो क्या करने देना है, एक्सप्लोर करने देना है, प्ले खेलने देना है, जिससे क्या होगा, देख बच्चा मिट्टी में बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज करता है। तो ये हुई थर्ड स्टेज, अब आएंगे फोर्थ स्टेज पर। फोर्थ स्टेज पर आएंगे, बात करेंगे यूपीटेट के बारे में, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद यूपीटेट के बारे में एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दी जाएगी बुक्स के साथ। अब आ जाती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज भी क्या होगी, 3 बार आएगा, अभी तो एक ही बार आया है, इसको भी याद रखने का तरीका हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप कौन से आय का मतलब क्या होगा, 4 आए हैं, 4 अलग हैं, उनकी डिस्कशन कर लेंगे। अब आ जाती है आपकी फोर्थ स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी मतलब मेहनत कह सकते हैं इसको, इंडस्ट्री को, है ना, लिख लेते हैं, मेहनत कह सकते हैं बनाम शर्म, हीनता, या कुछ इस तरह से हीनता ही कहेंगे इन्फीरियोरिटी को भी। ठीक, ये 5 से 8 वर्ष के आसपास होगी एज, और इसमें क्या है, स्कूल एज है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्कूल एज है, इससे पहले वाली जो थी वो प्ले एज थी, बच्चा स्पोर्ट्स में, स्कूल के काम में, इन सब में इन्वॉल्व होगा, है ना, एक्टिविटी क्या हो सकती है, इन्वॉल्व होना किस में, स्पोर्ट्स में या स्कूल वर्क में इन्वॉल्व होगा। दूसरा यहां से क्या वर्चू, गुण क्या आएगा, कॉम्पिटेंस जागेगी जीवन भर के लिए, भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, तो अगर वो खुद को हीन मानता रहेगा तो जिएगा कैसे, तो कॉम्पिटेंस जागेगी, यदि वो सक्सेसफुली अपने काम कर पा रहा है, जो भी उसको स्कूल में एक्टिविटीज मिली हैं, होमवर्क वगैरह या जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें इन्वॉल्व हो पाता है, अपने साथियों के साथ थोड़ा बहुत कॉम्पीट कर पाता है, कॉम्पीट मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, बट एक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एडजस्टमेंट बेहतर है परिवार में और स्कूल के अंदर भी, तो
तो इंडस्ट्रियस है बच्चा, थोड़ी सी मेहनत करना सीखेगा आगे जीवन भर के लिए, उसके अंदर क्या आएगा, कॉम्पिटेंस जागेगा कि वो सर्वाइव कर सकता है, वो चीज़ों को कर सकता है, चाहे स्पोर्ट्स में थोड़ा रेस में कभी मेडल लेके आया या कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हुआ तो वो इंडस्ट्री में रहेगा, नहीं तो इन्फीरियॉरिटी, खुद को कम समझता रहेगा, खुद को कम आंकता रहेगा जीवन भर, यदि यहाँ पर प्रॉपर रीइन्फोर्समेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाया, कहीं उसको नीचा या कुछ हीन भावना अगर आई तो। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। स्कूल एज है बिल्कुल, देखो थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो पूछ लिया करो साथ के साथ, लेकिन अगर बाकी की बुक्स की क्वेरी, एग्जाम की क्वेरी, इन सबको संडे वार्ता में या लास्ट में सेशन के। ठीक है, तो ये एक बात हुई। फोर्थ स्टेज को हमने अभी डिस्कस किया, फिर से आ जाते हैं अपने चार्ट पर। फोर्थ स्टेज में हमने देखा 5 से 12 वर्ष, 8 नहीं है ये, 12 वर्ष तक ही है इनकी जो एज है। ठीक है, 12 वर्ष लेटर चाइल्डहुड पूरा निकल जाएगा, स्कूल एज को हम जानते ही हैं लेटर चाइल्डहुड कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में हमने डिस्कस कर लिया। अब स्पोर्ट्स को भी हिंदी में, मतलब ये तो समझ आ जाएगा, स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद में भाग लेगा, स्कूल का जो होमवर्क गृह कार्य है, गृह कार्य है वो करेगा, है ना, इन सब में। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं हम फिफ्थ स्टेज पर, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहीं तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ है क्या, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिटी का पूरा रोल रहेगा। और दूसरा एक चीज रहती है यहां पर एडोलेसेंस, मतलब कि तनाव एवं तूफान की अवस्था, अपने आप में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे में, तो ये क्रूशियल स्टेज है एक तरह से। ठीक है, देखते हैं इसको। फिफ्थ स्टेज पर आएंगे, ये सब आप नोट कर चुके होंगे। ऐप को ठीक होने में समय लगेगा, अभी उस पर काम नहीं चल रहा है, बाकी अभी बुक्स पर काम चलना जरूरी है, एक टाइम पर एक काम कर पाऊंगी मैं, है ना। देखो फिफ्थ स्टेज आई है, अब आइडेंटिटी वर्सेस, अभी सारी एक एक करके फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है, पहचान बनाम, पहचान बनाम मतलब इसको रोल कंफ्यूजन को जो भी कहेंगे, भाई नहीं समझ में आ रहा मैं हूं कौन, वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ लेना, खुद भर लेना। 12 से 18 साल है ना, टीनेज वाला पीरियड है ये, किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे। यहां पर क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, या आइडेंटिटी फॉर्म होगी बच्चे की, आइडेंटिटी क्राइसिस आएंगे। ठीक है, और जो वर्च्यू है ये भी हम लिख सकते हैं, दिख रहा होगा, हाँ, जो वर्च्यू है, जो गुण आएगा यदि चीजें पॉजिटिव रही तो वो आएगा फिडेलिटी का, मतलब निष्ठा का जीवन के प्रति। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रोल जो है उसका कंफ्यूज रहेगा, टास्क क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करना, आइडेंटिटी फॉर्म करना, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे, सोशल रिलेशनशिप्स। देखो यहां पे जो फिफ्थ स्टेज है, टीनेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब बच्चे की पहचान, वो कौन है, उसका खुद का सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और इस स्टेज से ही जुड़ा है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान का संकट है एक तरह से, वो कहाँ है, वो बच्चा है, बड़ा है, या उसकी अपनी क्या आइडेंटिटी है समाज में, दुनिया में, और वो कौन है, खुद को कितना समझता है। अगर वो इस स्टेज में खुद को बेहतर तरीके से समझ पाता है, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होता है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी फॉर्म होगी जीवन भर के लिए, आगे की स्टेजेस में बेहतर कर पाएगा, है ना, आगे जो भी उसका जीवन है पूरा, चाहे वो उसका करियर हो, शादी हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप्स हो, उन सबको बेहतर निभा पाएगा या काम बेहतर कर पाएगा यदि आइडेंटिटी बेहतर समझ में आ जाए। अगर आइडेंटिटी खुद को पहचान लिया उसने तो क्या होगा, समाज में भी अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। भाई जो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे या बाय चांस कुछ बेहतर हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी में कुछ इशू है या उनकी चॉइस है। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या है, आप पहले खुद को जब एक एडोलेसेंस नहीं समझ पाता कि वो है कौन, है ना, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होती तब तक आप समाज से भी कहीं ना कहीं जूझते रहते हो कि अच्छा ये सब बेकार हैं, सब ये भी खराब, या यही कुछ चार लोग अच्छे हैं, या वही जिन सर्कल में वो रहता है उसी को, तो वो खुद को समझेगा, फिर सोशल एडजस्टमेंट बेहतर होगा, है ना। अगर मैं आज ये एक्सेप्ट कर लूं कि भाई मेरे को ये चीजें नहीं करनी, या मुझे ये चीज पसंद है, या मान लीजिए कोई एक
लॉयल्टी जैसी चीज़ कह लीजिए या सच बोलने जैसी चीज़ कह लीजिए या आपको बहुत ज़्यादा छल भरी जिंदगी नहीं जीनी, ये आपकी चॉइस हो गई ना, आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हुई, आपने जान लिया खुद को, कुछ कुछ चीज़ों को, बेसिक्स अपने जाने, फिर उस हिसाब से आप एकोमोडेट करेंगे समाज के अंदर। ज़रूरी नहीं आपको ये समझ आ जाएगा, ज़रूरी नहीं आप जैसे हो वैसे सब होंगे या वैसे ही सब कुछ, आप वो एक्सपेक्ट नहीं करोगे सबसे, लेकिन आप वैसे रहोगे। ऐसा नहीं होगा आज आपको चार लोग मिले आप उनके जैसे हो गए, कल किसी और के जैसे हो गए, वो सिचुएशन नहीं होगी। रोल कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि रोल कन्फ्यूजन, 5 मिनट में लग रहा है ये बहुत अच्छा, 5 मिनट में लग रहा है ये बहुत बेकार, या समझ में ही नहीं आ रही है चीज़ें, झगड़े चल रहे हैं रात दिन, तो क्या है, रोल कन्फ्यूजन, आप एडजस्ट नहीं कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाली स्टेजेस के लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, 6th स्टेज आएगी, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट था ये। हाँ, ये सभी के लिए कॉमन है, ये ऐसा टॉपिक है सभी में, ये 9 बजे जितने भी टॉपिक चलते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी में महत्वपूर्ण है। 6th स्टेज आएगी आपकी, ऐसे ही होगी कुछ, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। ये 18 से 40 वर्ष है जो अवस्था है, मतलब अडल्टहुड है ये कह सकते हैं, है ना। अब एडोलसेंस से तो निकल गया, अब आया अडल्टहुड, वयस्क अवस्था कह सकते हैं उसको, है ना। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप्स फॉर्म होंगे भाई, लोग 18 से 40 वर्ष है तो शादी भी कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स में भी जा रहे हैं, तो इंटीमेसी मतलब एक वो कंपेनियनशिप वाली फीलिंग आएगी, जुड़ पाएंगे साथ, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होंगे, नहीं तो आइसोलेट हो करके रहेंगे। अब पीछे वाली जो स्टेज थी आइडेंटिटी की, अगर वो ठीक से चीजें हुई हैं तो फिर यहां पर भी बेहतर, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बनेंगे या बेहतर पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएंगे, एक इस साइड आएंगे, ठीक है, वर्च्यू की तरफ जाएंगे। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक। तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है एक व्यक्ति, और इसकी जो 18 से 40 वर्ष, लव यहाँ पे क्या है, एक वर्च्यू है, गुण आएगा जीवन के प्रति, प्यार एकदम ये कह सकते हैं, इन्वॉल्व है इस स्टेज में वो, ठीक है, रिलेशनशिप्स फॉर्म करेगा, क्लियर। तो ये एक बात हुई। अब आ जाते हैं हम 40 से 65 वर्ष में, 40 से 65 वर्ष में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। हाँ, गुण या मूल्य, वर्च्यू का मतलब है गुण क्या आएगा यहां पर, रिलेशनशिप्स फॉर्म करेगा बेहतर, ठीक, आगे के लिए लव आएगा, एक बेहतर काम कर पाएगा जीवन में, साथ में कंपेनियनशिप, अकेला नहीं रहेगा, ठीक है। अब अकेले का मतलब ये नहीं होता जो लोग शादी नहीं करते वो फिर मतलब ऐसे बिल्कुल आइसोलेशन में होंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों से उनके रिश्ते खत्म हो गए, अगर वो हेल्दी रिलेशनशिप निभा पा रहे हैं, कई लोग होते हैं ना वो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़ा हर दूसरे इंसान से लड़ते रहते हैं, तो वो फिर आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज पर, 7th स्टेज है, सेकेंड लास्ट, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में क्या है भाई, इसका हिंदी मीनिंग ये लास्ट के दो का देख लेना, बाकी ये यहां से क्वेश्चन आता नहीं है बट फिर भी जानने के लिए जरूरी है, बाय चांस आप नेट वेट में जा रहे हो। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में क्या होगा, ये 40 के बाद वाली उम्र है, 40 से 65 तक, आई थिंक 42-65 के अराउंड। अब इस एज में वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या होगा, आपका जो करियर है, रिलेशनशिप्स हैं, या पेरेंटिंग वाला एज है, पेरेंट्स बनते हैं लोग, है ना, और काम भी बेहतर हो रहा होगा, तब क्या होगा, जेनरेटिविटी फील करेंगे, जेनरस फील करेंगे ना अपने आप में कि कुछ काम का हूं मैं, अगर पेरेंटिंग अच्छे से हो पा रही है, काम अच्छे से कर पा रहे हैं, अदरवाइज स्टैग्नेंट फील करेंगे, मतलब रुका हुआ सा। अभी कल परसों या कुछ दिन पहले, शायद कल परसों नहीं, मैं बैंक गई थी तो एक वो जो थे वहां पे कुछ होंगे वो संभाल रहे थे चीजें, तो कुछ कुछ मुझे काम था, तो ऐसी बात होने लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हो, ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा एग्जाम देना हो ना तो बैंक का एग्जाम तो देना मत, तो बैंक की तरफ, तो मतलब ऐसे घर में कोई बैट पड़ा हो बैंक की तरफ तो उसको भी, उससे भी बच के निकलना, बड़ा बुरा हाल है बैंक में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लोग पूरे टाइम, कहनी तंबाकू चबाते रहते हैं सब, नहीं बट एक जनरल परसेप्शन में बता रही हूँ, बहुत बहुत ही सरदर्दी की जॉब है ऐसा मानते हैं लोग, खुश नहीं रह पाते बैंक की जॉब से। अब ये क्या है, अपने आप में काम तो कर रहे हैं, बच्चे भी होंगे बट कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट भी फील कर रहे हैं, है ना, वो सेटिस्फेक्शन, वो मजा नहीं है। तो ये क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है।
जननात्मकता बनाम स्थिरता, बहुत बढ़िया स्वलीहा। जितने भी लोग कमेंट में हिंदी में लिखते रहते हैं, जो हिंदी वालों को कई बार दिक्कत हो जाती होगी, ठीक है। तो ये हुई स्टेज, सेवंथ स्टेज। अब आएंगे हम एट्थ स्टेज पर, जो कि लास्ट होगी, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पैरिटी, ठीक है। तो ये हमारी 40 से 65 वर्ष की अवस्था थी, और यहाँ पर केयर होनी चाहिए आप में जब भी आप जनरेटिव फील करेंगे, और वर्क एंड पेरेंटहुड की ये अवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लास्ट है आज के लिए 65 प्लस ईयर्स, मतलब 65 साल के बाद तो बहुत ज्यादा आपके पास करने को बचती नहीं है चीजें, बट कुछ लोग फिर भी करते रहते हैं। तो ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, लास्ट स्टेज है ये। रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल यहां से आपको रिवाइज करने के बाद सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे आराम से, ठीक। लास्ट स्टेज ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक। अब ये जो ईगो इंटेग्रिटी है, 65 साल के बाद वाली एज है, यहां पर एक इंसान रिफ्लेक्ट करेगा लाइफ पर, जो टास्क है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट डालेगा अपनी लाइफ पर, जो उसकी 65 साल तक की जिंदगी रही है, पीछे उसने क्या किया, कैसे किया, कितना वो सेटिस्फाइड है। तो ईगो इंटेग्रिटी, अगर सेटिस्फाइड फील कर रहा है तो वर्च्यू क्या आएगी, विजडम आएगी ना जीवन के। आपने देखा होगा बड़े लोगों के साथ आप बैठे हैं तो एक अलग समझ आपको जानने को मिलेगी, सब हर किसी में नहीं होती, आधे लोग जीवन जी के चले जाते हैं बस। तो विजडम होगी इसकी जो वर्च्यू है, इसके अलावा जो टास्क है वो रिफ्लेक्शन करेगा, पूरी जिंदगी को एक तरह से पिक्चर के रूप में देखेगा। और अगर सेटिस्फाइड है तो ईगो इंटेग्रिटी मतलब कूल, एकदम चिल्ड आउट बुढ़ा बनेगा या बुढ़ी बनेगी, अदरवाइज डिस्पेयर में रहेगा, बहुत चिड़चिड़ा खोया हुआ, बहुत अनसेटिस्फाइड सा, है ना। तो वो एक बात हुई। सीटेट के लिए तो आंख बंद करके ले सकते हो, ऐसे अभी अपडेटेड वर्जन भी आएगा तो वीडियोस बनाई हुई हैं उसके लिए, वो आप देख सकते हो। बिल्कुल जीवन पर प्रकाश डालेगा ये कह सकते हैं हम। तो ये एक बात हुई, अब इसका आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे एक बार रिवाइज कर लेंगे, और आपको कैसे याद रखनी है ये स्टेजेस उन पर बात कर लेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दिक्कत ना हो, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी के लिए कॉमन है ये, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ मतलब वो सबका बोलने का तरीका होता है ऐसे, चिल्ड आउट मतलब कूल, एकदम कूल डैडी कूल, सॉरी एकदम मैं ऐसे रिलैक्स्ड मूड में आ जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब इनको याद कैसे रखना है और क्या इंपॉर्टेंट है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये टाई थ्री मतलब आई का क्यूब पावर 3 से याद रख लेना, और ये आई जी ई भूल ही जाओ, यहाँ से टीचिंग एग्जाम्स में स्पेशली स्कूल लेवल पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये है अपने सामने टी ए, 3 बार आए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम जानते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जन्म से 1.5 साल तक की अवस्था, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसको ब्लॉक करना है ये बताओ आप। करती हूँ एक मिनट रुको, बड़ी दिक्कत है लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी शुरू किया करेंगे। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, संदेह वाली अवस्था, ये है आपकी 18 महीने से 3 साल तक, ये थी जन्म से 18 महीने तक। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड की, तो ये है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब शुरुआत करेगा बच्चा। फिर है जो दूसरा आपका आय आ जाता है, वो आ जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी। फिर इसके बाद आपका
एक मिनट रुको, ऐसा लग रहा है खेल बन गया जीवन। बहुत बढ़िया, अभी आ गई होगी आवाज़। एक बार बताओ, बस ये थी आज की थ्योरी, तो हमें ध्यान में रखना है एज टीचर्स। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है फटाफट से समझेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब तो नहीं हो सकता कि साउंड नहीं हो, आ गई ना? ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थोड़ा सा समझ लो, बहुत खेल कूद हो गया। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन शिक्षा में आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, तो एजुकेशन में आप किस तरह यूज करेंगे। आपको पता है जब 8 स्टेजेस में एरिक एरिक्सन ने पूरी कहानी कह दी अपनी, कि इस स्टेज में इस चीज की जरूरत होगी, इस स्टेज में इस चीज की जरूरत होगी, ये काम करेगा, ये टास्क करेगा, ये गुण आएगा। तो आपको एज टीचर से एक तो रोल मॉडल तो आप हैं ही अपने आप में, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बच्चे की स्टेज के अनुसार उसका भावनात्मक विकास, वो किस चीजों को किस तरह से लेगा, किस स्टेज में अगर आपने उसे डांट दिया या आपने उसे कुछ गलत शब्द कहे, तो कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चे को स्पेशली वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो आगे उसको प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप सेंसिटिव रहेंगे पढ़ाते समय अपने क्लासरूम में, या पेरेंट भी हैं अगर आप, तब भी आप ध्यान रखेंगे किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बैलेंस बना के चलना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना। ऐसा भी ना हो कि आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि एक एज तक, भाई एडोलसेंस तक तो आप स्पेशली थोड़ा सा टच में ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब वो आपके साथ शेयर भी करेगा चीज़ें और बेहतर तरीके से खुद को फॉर्म भी करेगा। एक एक हेरिटेज की तरह आप काम आ रहे हैं उसके लिए, भाई जो एक्सपीरियंस विजडम आपके पास है कहीं ना कहीं आप पास ऑन कर रहे हैं फिर वो। ठीक, जब भर नहीं रहे, पास ऑन करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये नहीं है कि आप ऊपर से डाल दिए कि नहीं जैसे मैंने किया था वैसे ही करना है तुम्हें, या यही करना है, अच्छा मेरी ये सोचा था तुम्हें वही करना है, उस तरह की चीजें नहीं। आप एक फ्रीडम दे करके बच्चों को बेहतर डेवलप होने दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल लाइफ है। ठीक है, तो ये एक बात हुई, सभी के लिए कॉमन है ये। अब कोई भी किसी का भी डाउट हो तो फटाफट से बताएं, ये यूपी टेट डीट प्लस भी केवीएस, जहां भी 30 नंबर, 40 नंबर केवीएस में, डीट प्लस में 100 नंबर, ये सभी के लिए कॉमन सेशन है 9 बजे वाला। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा आई थिंक मंडे को या तो सैटरडे को, सैटरडे को चांसेस कम है बट हो सकता है, मेरे को कल जाना है ऐसे मामा के यहाँ। और आवाज खेल होते रहते हैं जीवन में भी ना। हाँ, साउंड चेक। हाँ चलिए फिर, बिल्कुल इसका जो ये आज एक अपना पिक्चर था वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। साउंड तो अभी आ गई होगी यार, ऐसे तो मत करो।
ठीक है, अभी साउंड में कोई दिक्कत नहीं है. आप कोई भी डाउट हो फटाफट से बताएं. हाँ, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मतलब ऐसे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, और रक्षाबंधन की भी. और इसके अलावा आती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा पढ़ाकू ना बनते हुए कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होके 2-3 दिन ऐसे जीवन जिए, और उसके बाद फिर से आएंगे काम पर. सैटरडे शाम में या फिर संडे को मैं मिलूंगी आपसे. शाम का जो 9 बजे वाला सेशन है वो अभी 2-3 दिन नहीं होगा, मंडे से प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा ज़्यादा स्पीड में करेंगे अब. ठीक है, तो ये एक बात हुई. बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए. और कोई बात हो तो बताएं. बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद. हाँ, सीटेट सर्टिफिकेट जानने को मिल रहा है मुझे आप ही से, अलग से एक वीडियो बन जाएगा. संस्कृति दिवस भी है, बिल्कुल, उसकी भी शुभकामनाएं. हाँ, असम टाइट के लिए ये चीज़ें कॉमन हैं. साउंड तो आ चुकी है. हैप्पी रक्षाबंधन बिल्कुल आप सभी को भी. ठीक है, एनआईएस सिलेबस एज वेल, आई मीन इज देयर पॉसिबिलिटी दैट एनआईएस वुड बी आस्ड अगेन इन कमिंग पीआरटी एग्जाम्स. देखिए, अगर कुछ कुछ टॉपिक रहेंगे और समय बचता है, कमिटमेंट नहीं बट हाँ, अगर समय बचता है और कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं जो यहाँ कवर नहीं हुए एनआईएस से कराने हैं, तो मैं कोशिश करूंगी. ठीक है, बाकी ये मेन टॉपिक्स हैं, कोई बाकी प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करते रहेंगे तो कवर हो जाएगा. ठीक है, बुक कैसे लें आपसे? तो बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, मुझसे मत लो, मार्केट से ले लो. ऐसे अमेजोन पर अवेलेबल होगी, इसके अलावा GTB नगर गेट नंबर 3 पर मिल जाएगी, या किसी भी बुक स्टोर पर पता कर सकते हो, है ना. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी बाय हिमांशी सिंह, ऐसे शक्ल इसकी आपने देख ही ली है. बाकी बहुत जल्दी या इन छुट्टियों में कुछ थोड़ा बहुत काम किया जाएगा आपकी आगे आने वाली बुक्स पर. हिंदी मीडियम की बहुत डिमांड है, जल्दी आ जाएगी. टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आज, कई दिन के बाद, 2 दिन बाद मिले हम लोग. गुड नाइट. लाइक शेयर करके जाना अगर पसंद आया हो, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना. बेहतर तैयारी हम करते रहेंगे. सुबह मिलते हैं 5.